काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता पर आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके सहयोग से अब हम 18 लाख दर्शकों तक पहुंच चुके हैं। और आज अंग्रेजी भाषा के महान साहित्यकार शेक्सपियर की एक रचना द मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारे बीच साझा करने के लिए आ रहे हैं रंगमंच के एक जाने माने कलाकार पुलकित आर्य, जिन्होंने अनेक नाटकों का मंचन किया जिसमें से प्रमुख है इला, खामोश अदालत जारी है, जाने मन, प्रेम कथा आदि आदि। तो आइए काव्य पाठ के लिए स्वागत करते हैं पुलकित आर्य। नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित आर्य श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के इस सांझे मन से आपके सामने एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये संवाद महान नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, जिसे एक यहूदी व्यापारी शैलोक बोलता है। शैलोक का सूदखोरी का व्यापार है। यूरोप में परंपरागत तरीके से यहूदियों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। ईसाई बात बात पर उन्हें अपमानित एवं प्रताड़ित करते थे। यदि इस संवाद का संदर्भ नहीं पता हो तो यह बहुत ही नकारात्मक और हिंसक प्रतीत होता है। इस संवाद का काव्य अनुवाद डॉक्टर सतीश आर्य ने किया है। तो दोस्तों, प्रस्तुत है कविता एक पाव मांस। मैं इसके मांस का प्रयोग करूंगा मछलियों के चारे के लिए। सच है ये, मानव का मांस नहीं खा सकता मानव, लेकिन मेरे प्रतिशोध की भूख तो शांत करेगा ही। हमेशा अपमान किया है उसने मेरा, हर नुकसान पर मेरे हंसा है वो, कमाया जो मैंने तो जला है वो, मेरे मित्रों को मुझसे तोड़ा है उसने, उकसाया है सदा मेरे दुश्मनों को उसने। प्रश्न उठता है कि किया क्यों उसने ऐसा, सिर्फ इसलिए कि यहूदी हूं मैं? क्या यहूदी की आंखें नहीं होती? क्या हाथ पांव नहीं होते उसके? देख नहीं पाता क्या वो? सूंघ नहीं सकता क्या वो? अनुराग नहीं होता क्या उसमें? आवेश नहीं होता क्या उसमें? जो खाते हो तुम वही नहीं खाता है क्या वो? जो तलवार काटती तुमको वही नहीं काटती क्या उसको? जो रोग तुम्हारे हैं वही नहीं सताते क्या उसको? ठीक नहीं होता क्या उसी औषधि से वो? ईसाइयों की तरह गर्मी नहीं लगती क्या उसमें? कप कपाती है जो सर्दी तुमको नहीं सताती उसको? सुई चुभाओगे अगर तो खून नहीं निकलेगा क्या हमारा? गुदगुदाओगे तो क्या हंसेंगे नहीं हम? जहर दोगे तो क्या मरेंगे नहीं हम? सताओगे तो बदला नहीं लेंगे क्या हम? यहूदी अगर तंग करे किसी ईसाई को, ईसाई छोड़ देगा उसे दया का हवाला देकर? और अगर ईसाई तंग करे यहूदी को तो क्या करे यहूदी फिर? छोड़ दे वो दया कर उसको? नहीं नहीं, वही करेगा वो भी, बदला तो लेगा वो भी। मैं भी वही करूंगा जो सिखाया है तुमने मुझको, और ध्यान रहे जो तुमसे सीखा है उससे बेहतर ही करूंगा मैं। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पुलकित आर्य को, जिन्होंने इतना घृणा भरा एक संवाद शेक्सपियर की एक महानतम रचना से हमें सुनाया। और इस संवाद को अनुवादित किया था डॉक्टर सतीश आर्य ने, और डॉक्टर सतीश आर्य हमारे बीच हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये जरूर पूछना चाहूँगा कि सर, इसके बारे में आपके और क्या विचार हैं कि आपने क्या सोचकर इसको भावानुवादित किया था, और इससे आप जनमानस तक कौन सा विचार पहुंचाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैंने शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस वर्ष 1969 में पहली बार पढ़ा था, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, और उस समय भी शैलोक के इस डायलॉग ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। प्रभावित इसलिए कि इसमें जो पैशन है, वो पैशन हमें रेयर मिलती है, चाहे वो पैशन प्रेम की हो चाहे घृणा की हो, पैशन हमेशा
आदमी को प्रभावित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। जहाँ तक शाइलॉक का सवाल है, इसके इस संवाद में घृणा और हिंसा की इतनी भरमार है कि आदमी अचंभित रह जाता है। यह शेक्सपियर के अप्रतिम साहित्य प्रतिभा को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसके एकदम बाद पोर्शिया की द क्वालिटी ऑफ मर्सी नाम की एक स्पीच आती है, जिसमें वो दया और करुणा की बात करती है, जो कि इतनी ही पैशनेट है। शेक्सपियर की ये खूबी रही है कि उसने मानव जगत को और मानव मन को बहुत गहरे से, बहुत नज़दीक से समझा है, बूझा है। घृणा का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे स्थिति में घृणा बिना किसी कारण के भी हो सकती है, जैसा कि ओथेलो का जो खलनायक है यागो, वो ओथेलो से बिना किसी कारण के घृणा करता है। इसके विपरीत शाइलॉक के पास घृणा करने का बहुत ही मजबूत कारण है, उसके व्यक्तिगत कारण भी हैं और जातीय कारण भी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमें लगता है कि दुनिया का हर धर्म प्रेम की, करुणा की, अहिंसा की बात करता है। प्रेम, करुणा, दया, ये मानवीय गुण हैं जिनकी तरफ हम प्राकृतिक रूप से आकर्षित हो। और इसी बात को शायर जिगर मुरादाबादी के शब्दों में कहें तो अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आपने सुना हमारे मुख्य संपादक डॉक्टर सतीश आर्य जी को, और एक और पैगाम हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो ये है कि काव्य पाठ के इस सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता पर आप भी किसी श्रेष्ठ कवि की कोई श्रेष्ठ रचना हमसे साझा कर सकते हैं, उसका काव्य पाठ कर सकते हैं। हम आपको हमारे पटल पर सादर आमंत्रित करते हैं।